आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। शानदार, लाजवाब और जबरदस्त। आप भी जब इस फिल्म को देखकर बाहर निकलेंगे तो इस फिल्म के बारे में यही कहेंगे। स्क्रिप्ट से लेकर फिल्मांकन और डायलॉग से लेकर अभिनय तक हर चीज में परफेक्ट है। फिल्म देखने के बाद आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। इस फिल्म की ओर यह कह सकते हैं कि आयुष्मान खुराना अनोखे कंटेंट के किंग बन चुके हैं। विकी डोनर और शुभ मंगल चावनार के बाद अब बधाई हो भी मजा आ गया। फिल्म की कहानी एक परिवार पर आधारित है जिसका मुखिया मिस्टर कौशिक रेलवे की नौकरी करता है। मिसेज कौशिक घर पर और अपने दो बेटों को संभालती है। उनका बड़ा बेटा नकुल कौशिक है और एक रात मिस्टर कौशिक मिसेज कौशिक के साथ कुछ ऐसे कर बैठे हैं जो समाज के मुताबिक उस उम्र में शोभा नहीं देता। उस रात का नतीजा जल्दी सामने आता है और सभी को पता चलता है घर में नया मेहमान आने वाला। इस खबर के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रेंड सान्या मल्होत्रा भी जाग जाती है। इस दौरान कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। यह फिल्म इतनी मनोरंजक है कि यह कब खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। शांतनु श्रीवास्तव, अक्षय घड़ियाल और ज्योति कपूर की शानदार कहानी को अमित राघवेंद्र शर्मा ने बेहद शानदार ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया है। फिल्म का एक एक दृश्य डायलॉग और दर्शकों को पसंद आएगा। फिल्म पानी की तरह बहती जाती और कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। निर्देशन के लिए अमित रविन्द्रनाथ शर्मा को 10 में से 10 अंक मिलने चाहिए। वह अभिनय की बात कीजिए तो फिल्म की एक ऐसी अभिनेता पर निर्भर नहीं टिकी है। फिल्म के हर किरदार ने शानदार अभिनय किया है। हर किरदार के डायलॉग सुनकर आपके मुंह से बाहर निकल जाता है और थिएटर तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है। फिल्म में आयुष्मान और सानिया मल्होत्रा का इष्ट थोड़ा सा पकाऊ लगता है लेकिन कौशिक परिवार के सदस्य सारी कमी को दूर कर देते हैं। जॉन अब्राहम के बैनर तले फिल्म विकी डोनर से आयुष्मान ने डेब्यू किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। वर्ष 2017 में रिलीज हुई की फिल्म बरेली के बर्फी और शुभ मंगल सावधान बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। मैं मेरी प्यारी बिंदु फ्लॉप साबित हुई थी। बरेली की बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ और शुभ मंगल सावधान ने 41 करोड़ की कमाई की थी। हाल ही में उनकी फिल्म अंधाधुन भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। यह फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर रुपए बटोर रही है। यह फिल्म अब तक 42 करोड़